छोटी चीज है जिसमें गैस में कर उसको तो गर्म करना पड़े हल्का सा इसको गैस में मेल्ट करके लाओ, ठीक है। छोटे चम्मच होंगे डेढ़ कर, ज़्यादा नहीं है। इसको कैसे डालना है, थोड़ा क्रश करके डालेंगे। क्रश करके क्यों डालेंगे, इसकी खुशबू जो है हमारी अच्छी आएगी, ठीक है। बस इतनी डालेंगे, क्रश करके हम इसको, बड़ा चम्मच है तो इसलिए एक चम्मच में नहीं है, वैसे इतना सा इसमें हम नमक डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी हाँ तो देसी घी, ठीक है, या तो डालडा जो हलवाई, इसके साथ मोइन डालना है और आप आओ हाथ धो के धोया आकर इसको मिक्स करो। कम से कम चार चम्मच बड़े लगते हैं मोइन के, ठीक है। तो इसके लिए ये कटोरी पूरी लगेगी। एकदम से पानी नहीं डालते, बहुत कम 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 पानी डाल के सूखा सा अच्छा सा आटा पूरा मिल जाए वैसा गूंथते हैं, ठीक है, और नरम होने तक गूंथते हैं। ज़्यादा पानी नहीं लगाते हैं और इकट्ठा पानी नहीं डालते। सर सूखा धनिया, धनिया सूखी लाल हरी मिर्ची थोड़ा सा अदरक का पेस्ट नमक, ठीक है। नींबू हो तो नींबू भी डालना, नहीं हो तो नहीं डालना, कोई बात नहीं। मटर हल्के बॉईल किए हुए आटे में डाली हुई काला नमक का पैकेट है, समोसे की स्टफिंग तैयार। निकाल देना अब हरा धनिया, गैस ऑफ कर देनी है, ठीक है। अनारदाना होता है इसमें ना, उसके बीज भी पड़ते हैं। कितने पक जाए, ठीक है, ऐसे उठाया और इसको कोन की शेप दे देनी है। ऐसे, ठीक है, चम्मच है इसके अंदर, इसके बीच स्टफिंग डालनी है। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मसाला तो निकाल दिए, ठीक है, ऐसे आना चाहिए और इसको दबाना है। ये यहाँ से खुल गया, अब एक दो रुक जाओ, बताने हैं अभी आपको, जब अच्छे से बनने लगेगा तब वीडियो बनाना हाँ कर दे, ठीक है। पूरी भर के भेजो, जल्दी पूरी भेजो, इधर कर पूरी भेजो इसको और